स्टार्ट गया। जी। सॉरी फॉर इंटरप्शन। जो मैं आपको भी बता रहा था, स्टेम थिकनेस 112 टू 1 ओवर 10th ऑफ हाइट, जब ये कैंटिलीवर के तौर पर एड कर रही होती है तो एक्चुअली फिक्स्ड एंड ये है जब बेस पर, ऊपर का एंड फ्री एंड है तो ऊपर हमें उतनी थिकनेस की जरूरत नहीं है जितनी नीचे है। इसको ग्रेजुअली कम किया जा सकता है इस साइड से स्लोप देकर, ओपन साइड से स्लोप देकर इसको ग्रेजुअली कम किया जा सकता है। स्लोप इधर से भी दी जा सकती है दोनों तरफ, मकसद सिर्फ मटेरियल की सेविंग होती है। ये डिजाइन करते हैं तो ये साइजेस एज्यूम करते हैं इसके लिए, लेकिन बाद में इनको मैंने बताया था इसकी हमें स्टेबिलिटी चेक करनी होती है, तो स्टेबिलिटी कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए हमें हो सकता है कि इनमें से कुछ ना कुछ डायमेंशंस को बाद में चेंज भी करना पड़े। स्टेबिलिटी क्या होती है, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी कैसे करते हैं? एक्सटर्नल स्टेबिलिटी जैसे मैं बता रहा था कि पूरे के ऐसे स्टेप्स लेना कि पूरे के पूरे स्ट्रक्चर इन टोटल अपनी जगह पर स्टैंड करे, डैमेज ना हो, तो उसके लिए कि किन क्या कैसे कैसे इसको डैमेज हो सकता है पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, वॉल के पूरे स्ट्रक्चर को, और उससे कैसे रोका जाए, किस किस किस्म के डैमेज हो सकते हैं। देखें यहां पर एक तो ये स्टेम के ऊपर सॉइल प्रेशर, लेटरल सॉइल प्रेशर ऊपर, सॉइल प्रेशर ऊपर जीरो है, नीचे मैक्सिमम है, और टोटल सॉइल प्रेशर का कोई एक सेंटर सेंट्रॉइड भी होगा टोटल का, उसका कते नजर। अगर ये टोटल सॉइल प्रेशर जितना ट्रायंगुलर आ रहा है इसको हम सम अप करें तो ये अगर टोटल पी प्रेशर बनता है, ये वाल को इस डायरेक्शन में पुश करेगा, उसकी वजह से यहां पर नीचे सरफेस पर वॉल सारी की सारी बेस के समेत ये सारा स्ट्रक्चर इधर को स्लाइड कर जाएगा लेफ्ट साइड की तरफ, तो इस तरह से डैमेज हो सकता है। इसको कहते हैं डैमेज स्लाइडिंग एट द बेस। अब क्या चीज होगी जिसको रोकेगी? हम कह सकते हैं ठीक है इसके वेट, लेकिन वेट टोटल वेट किस तरीके से रोकेगा? जब ये इधर स्लाइड करेगी, जब दो सर्फेसिस स्लाइड करते हैं तो उनके दोनों सर्फेस के दरमियान फ्रिक्शन पैदा होती है जो उसको रोकती है स्लाइडिंग को, तो यहाँ भी इस सर्फेस ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पर फ्रिक्शन होगी। फ्रिक्शन की फोर्स इस प्रेशर की डायरेक्शन के ऑपोजिट में होगी, तो ये फ्रिक्शन कितनी होगी? ये जितना टोटल लोड है इसके कंपोनेंट्स का लोड जो आपके सामने है, एक है ये सॉइल जो रिटेन्ड है उसका वेट, स्टेम में जो कंक्रीट है उसका वेट, बेस में जो कंक्रीट है उसका वेट, इन सारों को ऐड करें ये टोटल वेट, इसको मल्टीप्लाई करें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन कंक्रीट और सॉइल अंडर दिस, या इसको कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी।
अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगी, प्रेशर ज्यादा होगा, तो वाल प्रेशर की जिस तरफ अप्लाई हो रहा है उस डायरेक्शन में पूरी की पूरी पूरी स्लाइड कर जाएगी। और अगर इसका मतलब है कि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इतनी होनी चाहिए कि ये स्लाइड ना कर सके, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रेशर, एक्टिव प्रेशर टोटल जितना है उससे ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ जस्ट ज्यादा होने से नहीं, इसमें कुछ ना होगी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी रखना चाहिए, होना चाहिए। तो अब यहाँ देखें, क्या स्लाइडिंग फोर्स ये है, ये प्रेशर, रेजिस्टिंग फोर्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू सम ऑफ द लोड्स, और फ्रिक्शनल फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स ये इससे प्रेशर से ज्यादा होनी चाहिए। मिनिमम ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये 1.5 to 2 रखा जाता है, यानी 1.5 जरूर रखना है। नॉर्मली एनी वेयर बिटवीन 1.5 to 2 रख लेते हैं, ज्यादा भी हो कोई नहीं, लेकिन वो अब अगर ये नहीं हो रहा, बस करें कि ये काम आ जाता है, तो क्या किया जाएगा, हमें इस W को इंक्रीज करना चाहिए नेचुरली, ताकि फ्रिक्शनल फोर्स टोटल लोड ज्यादा हो जाए। W है W1 + W2 + W3, इस अगर W3 हम बेस को ज्यादा कर देंगे, और तो उस सूरत में टोटल W ज्यादा हो जाएगा। कंक्रीट के वेट को, तो स्टेम के कंक्रीट को तो हम ज्यादा नहीं कर सकते, बेस के कंक्रीट को ज्यादा कर सकते हैं, और अगर हम बेस को हील की साइड पर ज्यादा करेंगे, साथ ऊपर के अर्थवर्क का वेट भी उतना ही ज्यादा हो जाएगा, पूरी बेस का वेट ज्यादा कर देते हैं, लेकिन ज्यादा फायदा फिर होगा उसको अगर हील की साइड पर करें, फिर ज्यादा फायदा होगा। इस तरीके से इसको वेट को इंक्रीज कर सकते हैं। अब वेट को इंक्रीज करना हुआ, वो भी कोई इतना आसान काम नहीं है, इतनी एक्सकेवेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, हो सकता है स्पेस की लिमिटेशन हो, हम उधर उधर जा ना सकते हो, इन दैट केस फिर इस तरह से किया जाता है कि स्टेम के बिल्कुल नीचे से नीचे की तरफ भी ये स्टेम के नीचे एक इस तरह से की बना देते हैं। अब ये की इस स्लाइडिंग को रोकेगी, की इस स्लाइडिंग को रोकेगी, कैसे रोकेगी, फिर ये फोर्स इसके जब प्रेशर इधर एक्ट करेगा तो ये की स्लाइडिंग को रोकेगी, तो ये एक कैंटिलीवर के तौर पर एक्ट करेगी उल्टी डायरेक्शन में इस तरफ को, इसके ऊपर जो प्रेशर होगा उसको वो पैसिव प्रेशर होगा, क्योंकि यहाँ पर की ने इधर को जाना है, इसमें की ने प्रेशर डालना है इसके ऊपर, इस सॉइल के ऊपर, तो वो पैसिव प्रेशर होगा, उसका फार्मूला डिफरेंट होता है। तो ये की यहाँ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके बजाय यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, ज्यादा आसान इसके नीचे करना होगा बिल्कुल, क्योंकि वही स्टील जो स्टेम में है वही नीचे आ जाएगा, लेकिन को ये बाइंडिंग नहीं है। तो ये दो तरीके हैं इसको स्लाइडिंग को रोकने के। एक और है तरीके से जिसमें डैमेज हो सकती है, ये है ओवरटर्निंग। अब यहाँ इस फिगर में देखें, ये एक्टिवेट प्रेशर है, ये स्टेम है सारा। अब इस जगह पर एक्टिवेट प्रेशर इधर से जितनी सॉइल है उधर सब से आ रहा है, जब यहाँ होगा तो, या चले यहाँ भी है, तो इसको
अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए तो इस तरह से उल्टा देगा, ऐसे गिर पड़ेगी वाल। जब इस तरह से गिरेगी तो इसका रोकने के लिए क्या तरीका है कि ये सारे के सारे वेट जितने हैं ये इसको गिरने से रोकें। अब गिरने का मैकेनिज्म क्या है? होता ये है कि ये एक्टिव प्रेशर, इसकी लाइन ऑफ एक्शन, इसकी स्ट्रेट लाइन में देखें लाइन ऑफ एक्शन है तो यहाँ पर एक ये मोमेंट कैलकुलेट प्रोड्यूस करेगी, वो होगा एटवर्स प्रेशर इनटू द हाइट एट विच इट इज एक्टिंग। अगर ये ट्रायंगुलर वेरिएशन होती है तो ये 1/3 ऑफ द हाइट होता है, और अगर सरचार्ज भी साथ हो तो उसके लिए फार्मूला और होता है। तो ये एक मोमेंट पैदा हो करेगा, दिस विल बी ओवरटर्निंग मोमेंट। और इस मोमेंट को रेसिस्ट कौन सा कैसे होगा? W1 वेट ऑफ द सॉइल इनटू डिस्टेंस ऑफ इट्स सेंटर फ्रॉम दिस लाइन प्लस W2 वेट ऑफ स्टेम कंक्रीट इनटू डिस्टेंस ऑफ इट्स सेंटर फ्रॉम दिस लाइन। ये मोमेंट आर्म इसकी होगी। W3 सेंटर ऑफ द बेस इनटू दिस डिस्टेंस, ये इसकी मोमेंट आर्म होगी। तो इन तीनों मोमेंट्स को ऐड करें तो ये होंगे स्टेबलाइजिंग मोमेंट, ये होगा ओवरटर्निंग मोमेंट प्रेशर इनटू y bar, ये होगा ओवरटर्निंग मोमेंट, और रेजिस्टिंग मोमेंट होंगे ये तीन लोड्स मल्टीप्लाइड बाय देयर रिस्पेक्टिव मोमेंट आर्म्स। तो इनके लोड्स का सम स्टेबलाइजिंग मोमेंट होगा। अब आप समझ सकते हैं स्टेबलाइजिंग मोमेंट ज्यादा होना चाहिए ओवरटर्निंग मोमेंट से। अगर ओवरटर्निंग मोमेंट ज्यादा हो गया तो ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर इस तरह उलट जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं ओवरटर्निंग मोमेंट MO एक्टिवेट प्रेशर इनटू द सेंट्रोइडल डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम। तो इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा ये, और रेजिस्टिंग मोमेंट W1 x1 bar, W2 x2 bar, W3 x3 bar, ओवरटर्निंग मोमेंट, रेजिस्टिंग मोमेंट ओवर ओवरटर्निंग मोमेंट, इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी सेम 1.5:2 रखा जाता है, यानी रेजिस्टिंग मोमेंट ओवरटर्निंग मोमेंट से 1.5:2 टाइम्स होना चाहिए। ये डिस्टेंस फ्रॉम बेस पी का मोमेंट आर्म वाई बार, अगर ये सरचार्ज नहीं है तो ये 1/3 ऑफ दी हाइट है, और अगर सरचार्ज है तो उसके लिए ये एक फार्मूला है, ये आप नोट करें, ये वाई बार h² + 3h इंटू h- प्लस 3 h+2h-। और इसको किस तरह ज्यादा किया जा सकता है? फिर वही है कि इन लोड्स को ज्यादा करें तो ये ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है कि बी को इंक्रीज करने से वो ज्यादा हो सकता है। एक और तरीके से इसको डैमेज हो सकता है, अगर सॉयल नीचे जिस पर हमने ये बेस को बनाई गई है ये किसी वजह से सेटल कर जाए तो इसमें पूरे का पूरा स्ट्रक्चर सेटल हो जाएगा, जमीन के अंदर सबसाइड कर जाएगा। वो सूरत में होगा जब ऊपर से जो प्रेशर्स आ रहे हैं वो ज्यादा हैं और अलाउेबल बेरिंग कैपेसिटी कम है। अब सिर्फ इसमें ये लोड, इन लोड्स का असर नहीं आता, लोड
इसके अलावा ये प्रेशर का भी इफेक्ट है, लिटिल सोइल प्रेशर। इस जगह पर देखें तो ये इतना, इसको कैलकुलेट करें, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है। अब ये तीनों लोड्स W1, W2, W3, इनका एक रिजल्टेंट भी होगा, और कहाँ पर ये यहाँ से कितने फासले पर है इसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये इसकी वर्टिकल फोर्सेस इन तीनों सिग्मा W, इनकी लाइन ऑफ एक्शन ये होगी। ये हॉरिजॉन्टल की लाइन ऑफ एक्शन है, ये वर्टिकल लोड, वर्टिकल जिसको V कहा है, ये सिग्मा W है, ये है इन तीनों लोड्स W1, W2, W3 का सेंट्रॉइड। ये यहाँ से कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि W1 इंटू X1 बार प्लस W2 इंटू X2 बार प्लस W3 इंटू X3 बार डिवाइडेड बाय सिग्मा W, तो वो ये डिस्टेंस आ जाएगा। अब इनका एक रिजल्टेंट होगा, वो इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये इंक्लाइंड है, इस डायरेक्शन में ऐसे करके आएगा और बेस के थ्रू गुजरेगा, और इस अब ये इस बेस के थ्रू गुजरेगा, लेकिन बेस के सेंटर में से नहीं गुजरेगा। अगर बेस के सेंटर में से गुजरे तो ये यूनिफॉर्म सॉइल प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि सॉइल प्रेशर एक्चुअली इसकी वजह से आना है, लेकिन ये बेस के हटकर होगा तो थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, थोड़ा भी हो सकता है ज्यादा भी, इसको एक्सेंट्रिसिटी कहेंगे। इसकी वजह से ऐसे करके बेंडिंग आएगी, तो ये इसमें वर्टिकल लोड भी होगा और साथ इसकी वजह एक्सेंट्रिसिटी मोमेंट भी होगा, और उसकी वजह से फिर अपवर्ड सॉइल प्रेशर ये एक जैसा नहीं होगा, डिफरेंट होगा। ये सेंटर से जिस तरफ है उस तरफ ज्यादा होगा, दूसरी तरफ कम होगा। यहाँ पर अगर इस तरफ ज्यादा है तो ये यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, तो ये वही जो मैं आपको बता रहा था डिस्टेंस से है, तो अपवर्ड सॉइल प्रेशर विल बी इक्वल टू सिग्मा W ओवर B इंटू 1 प्लस माइनस 6E ओवर B, इस फार्मूले से निकल आएगा, और ये अलाउबल बेरिंग कैपेसिटी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बेरिंग कैपेसिटी से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब होगा कि फिर वही हिसाब है कि ये सारी की सारी इसमें सब्सिडेंस या सेटलमेंट हो जाएगी, क्योंकि ऊपर की तरफ से जो लोड आ रहे हैं वो ज्यादा है, अपवर्ड सॉइल प्रेशर बेरिंग कैपेसिटी से ज्यादा हो गया है। तो अगर ज्यादा फर्ज करें कि ये ज्यादा आ जाता है अलाउबल बेरिंग कैपेसिटी से, तो उसको कम करने का तरीका फिर वही है कि बी ज्यादा करें। बी ज्यादा करेंगे तो ये क्यू सॉइल प्रेशर कम हो जाएगा। तो तीनों स्टेबिलिटी के जो केसेस बताए हैं इन तीनों में फिर यही है, अल्टीमेट तरीका यही बनता है कि हमें बी को चेंज करना पड़ता है। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये पहले तो ये सिर्फ फुल रफ साइजेस हैं, बाद में वी मे हैव टू चेंज दिस। तो ये थी इसकी थ्योरी सारी। स्ट्रक्चरल डिजाइन इसका करना पड़े जब, तो जब ये सारे के सारे स्टेबिलिटी के चेक्स लगा लिए जाते हैं तो, और इनके डिजाइन को भी साइजेस को एडजस्ट कर लिया जाता है, तो अब इसका स्ट्रक्चरल डिजाइन किया जाता है। स्ट्रक्चरल डिजाइन का मतलब है इसमें रीइंफोर्समेंट वगैरह कैलकुलेट करनी है, पहले प्रेशर्स और उसके साथ। अब इस क्रॉस सेक्शन, इस फिगर को देखें, तीन पार्ट क्लियर कट हैं, स्टेम है, और बेस के दो पार्ट हैं,
टो और हील, कभी कभी हो सकता है टो ना हो, इन तीनों का सेपरेट रहता है, रहता डिजाइन किया जाता है। हील टो स्टेम कैंटिलीवर स्लैब्स के तौर पर एक्ट कर रही होती हैं, ये इसका फिक्सिंग का पॉइंट है, और ये स्लैब इस डायरेक्शन में रन कर रही है, ये इसका स्पैन होगा कैंटिलीवर। सॉइल प्रेशर की वजह से इसकी बेंडिंग ऐसे होगी, इस तरह से इस डायरेक्शन में, टेंशन इस साइड पर आएगी सॉइल साइड पर, अर्थ साइड पर, तो इसमें फिर ये टेंशन स्टील होगा, ये जो वर्टिकल आप देख रहे हैं ये टेंशन स्टील होगा, और इसमें जहां भी हमें मेन स्टील डालें स्लैब में साथ दूसरी डायरेक्शन में टेम्परेचर श्रिंकेज स्टील डालना पड़ेगा। ये डॉट्स आप देख रहे हैं ये सारे टेम्परेचर एंड श्रिंकेज स्टील के हैं। हील हील में डाउनवर्ड लोड एक्ट कर रहा है, वेट ऑफ दिस सॉइल, इसके वजह से ये हील ऐसे बेंड होगी नीचे की तरफ, ये सॉइल प्रेशर इसका इफेक्ट कम होगा, और वेट ऑफ अर्थ वर्क ऊपर से है इसका, ये भी नीचे की तरफ है, हील का अपना लोड भी नीचे की तरफ है, ये ज्यादा होगा, तो अल्टीमेटली इसका इफेक्ट होगा कि ऐसे बेंड होगी। ये आप मैंने यहाँ पर ये फिगर में दिखाया हुआ है कि इस तरह से बेंड हो, तो इसमें अब ऐसे बेंड हो रही है, तो इसमें टेंशन ऊपर की तरफ है, तो ये इसका टेंशन स्टील होगा, और ये इसमें डॉट शो किए हुए हैं, ये टेम्परेचर एंड श्रिंकेज। तो ये छोटे सी टो है, इसमें ऊपर की तरफ से कोई लोड नहीं आ रहा है, सिर्फ हाँ इसका अपना लोड जरूर है नीचे की तरफ, और यहाँ पर कोई थोड़ा बहुत अगर फ्लोर फिनिश का लोड हो तो वो इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि वो टेम्परेरी होता है। अपर सॉइल प्रेशर इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, कंक्रीट या लोड का काम होगा, तो इसका चांस ये है कि इसकी बेंडिंग ऐसे होगी, इसकी वजह से टेंशन स्टील नीचे की तरफ आएगा यहाँ, और ये इसमें भी ये डॉट्स ये टेम्परेचर एंड श्रिंकेज स्टील, इन कैलकुलेशन इसकी डिजाइन की कैलकुलेशंस में अब जब करते हैं तो इसमें हम लोड को फैक्टर करेंगे, स्टेबिलिटी चेक्स में लोड्स को फैक्टर नहीं किया जाता, अलबत्ता स्ट्रक्चरल डिजाइन में लोड्स को फैक्टर करते हैं क्योंकि हमने अल्टीमेट स्ट्रेसेस लेनी होती है या ये स्ट्रेंथ लेनी होती है। आफ्टर चेकिंग स्टेबिलिटी थ्री कंपोनेंट्स डिजाइंड लोड फैक्टर, डेड लोड्स के लिए 1.2 लगाया जाता है, सॉइल प्रेशर के लिए 1.6। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, अब यहां पर मैं मिसाल दे रहा हूं आपको कि जब यहां पर आप बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करें तो सॉइल प्रेशर का इफेक्ट अपवर्ड है, लोड का इफेक्ट डाउनवर्ड है, इसमें ऐसे बेंडिंग आएगी। बेंडिंग मोमेंट जब यहां कैलकुलेट करना है तो कुछ डायरेक्शन डिफरेंट होगी, इसका मतलब है कि साइन डिफरेंट होगा, एक उनमें क्वांटिटीज में से एक क्वांटिटी ज्यादा होगी एक क्वांटिटी कम होगी, तो जो क्वांटिटी ज्यादा हो उसको तो फैक्टर लगा देते हैं 1.6 या 1.2, और जो फैक्टर जो क्वांटिटी कम हो उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस तरह से लगाते हैं कि उसको मजीद कम कर देते हैं, तो उसको 0.9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1.6 या 1.2 से नहीं करते, 0.9 से करेंगे,
यहां पर देखें अपवर्ड सॉइल प्रेशर है, इसकी वजह से यहाँ बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा, उसको 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ये कंक्रीट इसकी वजह से नीचे की तरफ लोड आ रहा है, इसको 1.2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, लेकिन इसको 1.2 से नहीं करेंगे, 0.9 से करेंगे, क्योंकि फैक्टर सेफ्टी वो तो अगर 1.2 करेंगे तो वो तो असल मोमेंट से कम कर देगा, तो हमने तो एक्चुअली मजीद कम करना है। तो ये इस तरीके से इसको लगाया जाता है। अगर दोनों फिगर्स के साइन डिफरेंट हैं तो सूरत में दोनों में इसके 0.9 से लगा देते हैं। बस करें, हमने एक एक रिटेनिंग वाल डिजाइन करनी है, कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल, टी शेप्ड कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल, रिटेन अर्थ टू हाइट ऑफ 4 मीटर अबव एनएसएल, डेंसिटी ऑफ सॉइल दी हुई है, सेफ बेरिंग कैपेसिटी दी हुई है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कंक्रीट और सॉइल के दरमियान इसको 0.6 समझ लें, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल 30 डिग्रीज, एफ सी डैश 21 मेगा पास्कल है, एफ वाई 414 मेगा पास्कल है, अर्थ रिटेंड हॉरिजॉन्टल है यानी कि कोई सरचार्ज नहीं है, तो सीधा फार्मूला रहेगा 1 माइनस साइन 5 और 1 प्लस साइन 5 वाला। अच्छा, टू फिक्स द हाइट ऑफ द वॉल हमें देखनी है, टोटल टोटल 4 मीटर तो वो फ्लोर फिनिश से लेकर ऊपर तक जो नजर आएगी वॉल वो 4 मीटर है, एक्चुअली तो हमें उसके नीचे तक बनानी है, तो डिजाइन वो नीचे तक वाली हाइट तक कर रहा है, वो कितनी होगी उसके लिए देखें कि ये टोटल बेस को इंक्लूड करके जो सारा डिस्टेंस बनता है वो है 4 मीटर के नीचे डेप्थ ऑफ फाउंडेशन यानी बेस की फाउंडेशन की बेस नीचे वाली सरफेस तक, वो H1 अगर कहते हैं उसको, तो हमें डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इस प्रॉब्लम में नहीं पता, यानी बेरिंग कैपेसिटी तो दी हुई है ये, लेकिन ये नहीं बताया हुआ कि वो कितने डिस्टेंस पर है। ऐसे केस में डेप्थ को कैलकुलेट भी किया जा सकता है, वो भी रैंकिन फार्मूला है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन के लिए, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इक्वल टू अलाउएबल बेरिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ सॉइल इंटू 1 माइनस साइन 5 ओवर 1 प्लस साइन 5 होल स्केयर, तो 200/20 इंटू 1 माइनस साइन 30 ओवर 1 प्लस साइन 30 10 इंटू ये दिस, ये आता है 1.1 मीटर। तो हमें 1.1 मीटर कम अज कम रखनी चाहिए, चलिए हम इसको 1.2 कर लेते हैं, तो फिर डिस्टेंस फ्रॉम टॉप ऑफ व्हील टू बॉटम ऑफ वॉल टू बॉटम ऑफ बेस H1 इसको कह रहे हैं 4 प्लस 1.2 5.2 मीटर। तो अब बेस थिकनेस ये अबाउट 1/10 ऑफ H1 5.2/10 520 मिलीमीटर, चले इसको 500 कर लें, ये अराउंड होता है उसके, ये कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, मिनिमम एक्चुअली ये है कि स्टेम थिकनेस से कम ना हो, हाइट ऑफ स्टेम टू बी डिजाइंड ये हो जाएगी, फिर टॉप ऑफ हाइट ऑफ स्टेम
बन जाएगी फ्रॉम टॉप ऑफ स्टेम टू अपर सरफेस ऑफ द बेस, लोअर सरफेस ऑफ द बेस, बेस की थिकनेस है 0.5 मीटर, तो अपर सरफेस को जाएगी 5.2 - 0.5, 4.7 मीटर। तो हमारी वाल जो हमने एक्चुअल डिजाइन करनी है वो 4.7 मीटर की करनी है, 4.7 मीटर डिस्टेंस होगा उस पॉइंट पर, यानी स्टेम के टॉप से लेकर उस पॉइंट तक जहां पर स्टेम बेस को टच करता है, वो 4.7 मीटर। स्टेम की थिकनेस 4.7 / 12, तो ये आ जाती है 392 मिलीमीटर, राउंड ऑफ कर लें 400 मिलीमीटर। तो विड्थ ऑफ बेस, इसके मैंने कहा था कि हाइट जो करनी है उसके 0.5 से 0.7 तक, 2.35 से 3.29 तक इन बिटवीन को ही रख लें, चले हम 3 मीटर रख लेते हैं। और थिकनेस ऑफ द स्टेम हम चाहें तो नीचे मैक्सिमम होगी बेस के साथ 400, ऊपर का साइज तक कम करते 300 तक ले जा सकते हैं। तो बी टोटल वेट का 1/4 रख ले अगर, तो ये 0.75 मीटर, 0.4 मीटर, 400 मिलीमीटर वो है स्टेम आ जाता है, तो बाकी हील के लिए बचता है 0.8, 1.85 मीटर। स्टेम का डिजाइन, सॉइल प्रेशर, वही फार्मूला जो शुरू में मैंने बताया था, एक्टिव कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव सॉइल प्रेशर टू डेंसिटी ऑफ सॉइल इनटू एच, और टोटल प्रेशर होगा वो के कोएफिशिएंट इनटू डेंसिटी इनटू एच स्क्वायर बाय टू, क्योंकि ये ट्रायंगुलर वेरिएशन है, तो एच स्क्वायर बाय टू ये है कितनी डिस्टेंस एच पर, और मैक्सिमम हाइट है 4.7 मीटर, जिसको कैपिटल एच यहाँ लिखा है, तो ये होगा उसी, आप उसी फार्मूले में कैलकुलेट करें उससे, तो सब्सिट्यूट करें वैल्यूज 20 × 4.7² / 1 - sin 30 / 1 + sin 30, तो ये आएगा 73.63 किलोन्यूटन। ये आ गया है प्रेशर। अब स्टील कैलकुलेट, जब भी बेंडिंग आती है वहां शीयर भी आती है, बेंडिंग मोमेंट के लिए तो हम शीयर प्रोवाइड कर देंगे, स्टील प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन शीयर के लिए स्लैब में इसका कोई इलाज नहीं, इसके अलावा के अल्टरनेटिव नहीं कि स्लैब की थिकनेस को ज्यादा करें, तो इसलिए पहले बेहतर है कि शीयर के लिए चेक कर लें, क्योंकि अगर पहले हम स्टील कैलकुलेट कर लें बाद में शीयर के लिए चेक कर ले और शीयर में ये सेफ ना आए, तो वो फिर पहली कैलकुलेशन किसी काम की नहीं रहेगी। तो शीयर का चेक ये देखें, क्रिटिकल शीयर होती है डिस्टेंस डी फ्रॉम सेक्शन ऑफ मैक्सिमम शीयर, यानी वो है लोअर एंड पर। स्टेम की थिकनेस 400 मिलीमीटर है, इसमें 75 मिलीमीटर इफेक्टिव निकाले तो इफेक्टिव डेप्थ आती है डिस्टेंस डी 325 मिलीमीटर या 0.325, तो क्रिटिकल सेक्शन होगा 4.7 में से इतना कम कर दें तो ये होगा। इस सेक्शन पर टॉप से लेकर नीचे इस सेक्शन तक पहुंचने तक जितना टोटल प्रेशर बन चुका होगा वो यहां पर शीयर होगी, और वो होगी इस सेक्शन पर शीयर फोर्स, इसको अल्टीमेट शीयर कहेंगे। तो ये वहां पर 4.7 से किया था या 4.375 से करें, तो ये
पीछे तो 73 पॉइंट समथिंग था, यहाँ पर ये 63.8 किलो न्यूटन आ जाता है क्योंकि थोड़ा सा ऊपर है। इसको फैक्टर करना है तो 1.6 फैक्टर लगाएंगे, सॉइल प्रेशर के लिए 1.6 लगाया जाता है। तो ये 1.6 इंटू दिस 102.08 किलो न्यूटन्स है, या इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें तो न्यूटन्स आ गया। और शेयर कैपेसिटी 5 VC क्रिटिकल शेयर, इसका ये फार्मूला फाइव जो क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस पी इंटू डी, क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस होती है 0.75 इंटू स्केयर रूट ऑफ एफ सी डैश। तो इस फार्मूले से आप करेंगे तो ये आ जाता है 190 न्यूटन्स इंटू 10^3 न्यूटन्स, यानी 190 किलो न्यूटन्स, यानी शेयर फोर्स अप्लाई हो रही है 102 और उसकी कैपेसिटी है 190। इसका क्या मतलब है हुआ कि ये सेफ है, कैपेसिटी बहुत ज्यादा है उससे जितनी शेयर अप्लाई हो रही है। तो सेक्शन ऑफ दिस टाइम इज सेफ इन शेयर। अगर ये कम आता उससे तो फिर इसका इलाज सिर्फ ये है कि स्टेम की थिकनेस इंक्रीज करें, इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अब आगे रिइंफोर्समेंट स्टेम में ये बेंडिंग मोमेंट से कैलकुलेट करते हैं। अब ये कैंटिलीवर स्लैब है, लेटरल फोर्स है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वही है स्टेम के बेस पर होगा, बेंडिंग मोमेंट होगा टोटल प्रेशर इनटू वाई बार वो एच बाई थ्री, प्रेशर जो 73.6 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 है तो वो अल्टीमेट प्रेशर इनटू 4.73, तो जितनी वैल्यू आए इतने 184.566 इंटू 10^6 न्यूटन मिलीमीटर, इतना बेंडिंग मोमेंट है। इसके लिए स्टील कैलकुलेट करें उसी डी के साथ, सारी स्ट्रेसेस के साथ तो हमारे पास स्टील रेशियो इस कैलकुलेट करें ना, तो ये जो फार्मूला आपको मालूम है ये 0.005 आएगी इसमें, इन वैल्यूज के साथ वो मैंने कैलकुलेट की थी तो इतनी आती। मिनिमम स्टील रेशो 1.4 है वाई, वो आती है 0.034। अब ये उससे ज़्यादा है, अगर ये उससे कम होती तो हम वो मिनिमम इतनी प्रोवाइड करते 0.034, लेकिन ये उससे ज़्यादा है तो हम उतनी प्रोवाइड करेंगे। तो एरिया ऑफ स्टील 0.05 to this 1000, क्योंकि हम 1 मीटर विड्थ के लिए स्लैब डिजाइन करते हैं इंटू 3 to 5, 1625 स्केल मिलीमीटर पर मीटर विड्थ। नंबर 6 बार्स अगर यूज करें तो उनकी स्पेसिंग आती है 176 मिलीमीटर से, उनको हम राउंड ऑफ करें 175, तो हमारा रिजल्ट ये आया नंबर 6 बार्स एट 175 मिलीमीटर सेंटर सेंटर ऑन अर्थ फेस साइड वर्टिकली। कर्टेलमेंट, अब यहां पर ये देखें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है, यहाँ हाइट है 4.7 मीटर, टॉप से लेकर बेस तक डिस्टेंस है 4.7 मीटर, वहां में हम ये स्टील कैलकुलेट किया है उस पॉइंट पर मोमेंट के लिए। अब ये है प्रेशर इनटू वाई बार। अब जैसे जैसे टॉप से डिस्टेंस कम होता जाएगा, यानी ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्रेशर कम होता जाएगा तो बेंडिंग मोमेंट